मैक्सवेल बोल्ट्जमैन के साथ बोस, आइंस्टीन और फर्मी डायरॉक। सबसे पहले हम इन पे ही काम कर रहे हैं, जो आपको स्टार्टिंग की वीडियोस मिलेंगी वो यही मिलेंगी। कौन सी? बोल्ट्जमैन एंट्रोपी रिलेशन मिलेगा, एंसेंबल मिलेगा, ठीक है, ये थ्योरम मिलेगी आपको, बोस, आइंस्टीन, फर्मी डायरॉक, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन, ये सब हम पहले ही करा देंगे, ताकि जिन बच्चों के पेपर जल्दी भी हैं सर, ठीक है, फटाफट से वो रिवाइज कर पाए, उन्हें टाइम मिले थोड़ा सा, क्यों, लवेल थ्योरम, एंसेंबल, ठीक है सर, माइक्रोस्टेट, ये सब मोस्ट वांटेड है पेपर में। हार्मोनिक ऑसिलेटर को अगर हटा भी दे तो ये थ्योरम, ठीक है, ये सारी चीजें पेपर में जरूर आएंगी, 101% आएंगी, और साथ ही साथ बोल्ट्जमैन एंट्रोपी रिलेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया, ऐसे ही 15 तारीख तक, क्योंकि कोई जादू तो है नहीं, लेकिन कोशिश रहेगी 15 नवंबर तक हम आपको लगभग 80% कोर्स मेरे भाई कराने की कोशिश करेंगे सर, ठीक। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। इस वीडियो का इंतजार बहुत सारे बच्चे कर रहे थे, बच्चों ने इंस्टाग्राम पे टैग किया, मैसेज किया, कमेंट किया, और फाइनली हमें इस वीडियो को बनाना पड़ रहा है। ध्यान से समझिए मेरे भाई, डिटेल में सिलेबस को एनालिसिस करने वाले हैं, आपको सरल भाषा में बताएंगे, क्योंकि हमने यूट्यूब पे बहुत सारी चीजें सर्च करके देखी, कुछ भी कॉन्टेंट कायदे का नहीं है मेरे भाई, ठीक है। तो अब बिल्कुल कायदे का कॉन्टेंट आपको मिलने वाला है। सभी को पता है, जिन बच्चों ने फिफ्थ सेमेस्टर में मेरे भाई फिजिक्स ली है या केमिस्ट्री ली है, जो भी कुछ लिया है, केमिस्ट्री तो हम पढ़ा ही रहे हैं सर, ठीक है, फिजिक्स भी अगर आपने ले रखी है, तो यहां पर भी आपके दो पेपर होने वाले हैं, दो पेपर आपको केमिस्ट्री के देने हैं, और उसी तरीके से दो पेपर आपको फिजिक्स के देने भाई, ठीक। इतना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। पहला जो आपका पेपर है उसका नाम है मेरे भाई क्लासिकल एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, ठीक भाई। अब मैकेनिक्स तो आप बचपन से सुनते आ रहे हो सर जी, 9th में थे तब भी था मैकेनिक्स यार, यांत्रिकी पढ़ा करते सर जी, 11th में थे तब भी था। अब क्या है, ये क्लासिकल और स्टैटिस्टिकल क्या है सर, थोड़ा सा समझाइए सर, किस तरीके से सारी चीजें होने वाली हैं। तो देखो यहां पे बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ओवरऑल इसमें से कुछ चीजें हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपको पढ़नी ही है। तो अगर आपके पेपर पड़ोस में है तो वो आपको बहुत आराम से तैयार कर लेना है। उसके अलावा सारी चीजें कैसे आपको मिलेंगी वो भी हम आपको बता देंगे। देखिए सबसे पहले कॉन्स्ट्रेंट्स क्या होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने यहां पर हाईलाइट कर रखा है प्रॉपर सारी चीजों को, जो जो चीजें मोस्ट वॉन्टेड है हर यूनिट से सर, ठीक है। उसके बाद डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पहला ही अपनी यूनिट है उससे। ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या होती है, और डी लैम्बर्ट प्रिंसिपल क्या होता है, ये चारों चीजें मोस्ट वांटेड हैं, जो आपको पता होनी चाहिए। डिग्री ऑफ फ्रीडम, कांस्टेंट सर क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या है, और डी लैम्बर्ट इक्वेशन क्या है, तो ये चारों चीजें आपको पता होनी चाहिए। उसके अलावा भी इसमें काफी कुछ दे रखा है, वर्चुअल वर्क वगैरह, लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है भाई, ठीक है। दूसरे में अगर हम बात करें तो न्यूटोनियन और लैग्रेंजियन जो फॉर्मुलेशन होता है, इन दोनों में फर्क क्या है, या फिर लैग्रेंजियन जो इक्वेशन है उसका नाम ही चैप्टर का क्या है, लैग्रेंजियन फॉर्मुलेशन। तो अगर आप इसकी इक्वेशन को देख लेते हैं और थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं तो आपका काम चल जाएगा, बाकी इस यूनिट से आपको कुछ भी देखना नहीं है मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद हैमिल्टोनियन फॉर्मुलेशन में आपको हैमिल्टोनियन क्या है पता होना ही चाहिए, इसका फॉर्मुलेशन क्या है, उसका भी लैग्रेंजियन के साथ में आप तुलना कर सकते हो, किस तरीके से सारी चीजें होंगी, ये आपको पता होना चाहिए मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद डेफिनेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सेंट्रल फोर्स क्या है, इक्वेशन ऑफ मोशन एंड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट। देखो भाई मैकेनिक्स पढ़ रहे हो तो मोशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, सेंटर ऑफ मास, ये सब तो आपको पढ़ने को मिलेगा ही मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ फोर्स एंड डेरिवेशन ऑफ कैपलर्स लॉ, कैपलर के नियम आपके सुने सुने लग रहा होगा सर, ठीक है। तो बिल्कुल भी टेंशन लेनी, अगर यहां पर गिने हम लोग तो मुश्किल से कितने टॉपिक होंगे, 8 से 10 टॉपिक भी नहीं हुए होंगे शुरुआत के पूरे एक पार्ट में सर, ठीक है। उसके बाद जो इसका दूसरा पार्ट है, इसमें ध्यान से सुनना भाई, मैक्रोस्टेट माइक्रोस्टेट ये पेपर में मिलेगा ही मिलेगा, क्वेश्चन मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है। उसके बाद हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या होता है आपको पता होना चाहिए, और यहां पे देखिए लिखी हुई है लवेल थ्योरम, ये मोस्ट वांटेड है, एंसेंबल मोस्ट वांटेड है, ये जो भी चीजें यहां पे लिखी हुई है, जो हमने गोले बना दिए भाई, लवेल थ्योरम, एंसेंबल, ठीक है सर, माइक्रोस्टेट, ये सब मोस्ट वांटेड है पेपर में। हार्मोनिक ऑसिलेटर को अगर हटा भी दे तो ये थ्योरम, ठीक है, ये सारी चीजें पेपर में जरूर आएंगी, 101% आएंगी, और साथ ही साथ बोल्ट्जमैन एंट्रोपी रिलेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया, एपी में रिलेशन आपको करवाएंगे और बहुत जल्द सारी चीजें हम आपको कराने वाले, ठीक है भाई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, यानी ये थ्योरम जो हमने आपको बताया, ये एंसेंबल मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जो रिलेशन है बोल्ट्जमैन एंट्रोपी रिलेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद माइक्रोस्टेट और माइक्रोस्टेट क्या होता है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरा भाई, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें प्रोबेबिलिटी के साथ में, भी हमने आपको रिलेशन बताया एस बराबर के लॉग पी, इसी तरीके से बोल्ट्जमैन के साथ में निकालेंगे, के सारी चीजें हम आपको करके दिखाएंगे। उसके बाद स्टेटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ला क्या, और तीन यहां पे आपको डिफरेंस पढ़ने हैं मेरे भाई, कौन कौन से, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन के साथ बोस, आइंस्टीन और फर्मी डायरॉक। सबसे पहले हम इन पे ही काम कर रहे हैं, जो आपको स्टार्टिंग की वीडियोस मिलेंगी वो यही मिलेंगी। कौन सी? बोल्ट्जमैन एंट्रोपी रिलेशन मिलेगा, एंसेंबल मिलेगा, ठीक है, ये थ्योरम मिलेगी आपको, बोस, आइंस्टीन, फर्मी डायरॉक, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन,
मैन, ये सब हम पहले ही करा देंगे ताकि जिन बच्चों के पेपर जल्दी भी हैं सर ठीक है फटाफट से वो रिवाइज कर पाए, उन्हें टाइम मिले थोड़ा सा, क्योंकि ये वीडियो आप देख रहे हो 1 तारीख को मेरे भाई, ठीक आप जब भी देख रहे हो, लेकिन रियलिटी है वीडियो हम पब्लिक करने वाले 1 तारीख को। तो 1 तारीख को पब्लिक होने के बाद आपने कब से पढ़ना स्टार्ट करें ये भी मैटर करेगा। किसी के पेपर अगर 20 तारीख से हैं तो अगर उसने 5 तारीख को देखी तो उसके बाद मोटे मोटे 10 दिन बचे हुए भाई, क्योंकि फिर रिविजन के लिए टाइम चाहिए, तो अब 10 दिन में आप कितना पढ़ सकते हो। तो हम पहले वो चीजें कराएंगे जो आप अच्छे से रिवाइज कर पाओ मेरे भाई। उसके बाद बोल्ट्जमैन कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, इक्वी पार्टीशन थ्योरम क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ठीक है, रिलेशन क्या होता है पार्टीशन फंक्शन और थर्मोडायनामिक पोटेंशियल के बीच में भाई, ठीक है। उसके बाद आखिरी में इनके एप्लीकेशन आ गए भाई, बोस आइंस्टीन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है, ठीक है, ये कराया हुआ है मेरे पास, पढ़ा हुआ है रिकॉर्डेड, तो इसे हम तुरंत ही ऐड कर देंगे। ब्लैक बॉडी कैविटी क्या होती है और डेरिवेशन फॉर्म फॉर का, प्लैंक्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लॉन्ग में आएगा भाई, लॉन्ग में प्लैंक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लॉन्ग में आएगा, बोस आइंस्टीन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लॉन्ग में आएगा, बोल्ट्जमैन एंट्रोपी रिलेशन लॉन्ग में आएगा। इन तीनों जो दे रखी है तुलना नहीं, बोस आइंस्टीन फर्मी डायलॉग मैक्सवेल बोल्ट्जमैन आएगा ही आएगा, मैक्रो स्टेट माइक्रो स्टेट हो गया सर ये थ्योरम लॉन्ग में आएगी, यानी इंसेंबल जो है भैया 7.5 में आ जाएगा या 3 नंबर में आएगा, यानी ये वो टॉपिक हैं अगर उंगलियों पे गिने तो 8-10 ऐसे टॉपिक हैं जो पेपर में इसमें से आएंगे ही आएंगे मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद जो आपका दूसरा पेपर होने वाला है उसका नाम क्या भाई, क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी। फोर्थ सेमेस्टर में जो आपने स्पेक्ट्रोस्कोपी आगा के पढ़ी है केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री पूरी थी ही स्पेक्ट्रोस्कोपी, अभी यहाँ फिजिक्स में पढ़ने को मिल जाएगी, तो कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं आने वाला, सारी चीजें जान पहचान वाली है भाई। कैसे जान पहचान है जरा देखो, जैसे सबसे पहले ऑपरेटर फॉर्मुलेशन, तो इसमें कुछ नहीं पढ़ना भाई, इसमें केवल आपको ऑपरेटर्स के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि किस तरीके से ऑपरेटर काम करते हैं, डेफिनेशन क्या होती है सटीक, बस मोमेंटम वगैरह थोड़ा बहुत देख लोगे, बाकी कुछ भी इसमें नहीं पढ़ना है। आईजेन वैल्यू आईजेन फंक्शन आपने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के साथ पिछले सेमेस्टर में पढ़ी हुई है ना, वही है मेरे भाई, अलग से कुछ नहीं पढ़ना है। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या होती है, आईजेन वैल्यू क्या होती है, आईजेन फंक्शन क्या होते हैं, डीजेनरेट क्या होता है, डीजेनरेसी क्या होती है, सारी चीजें आपको पढ़ने को मिलेंगी। उसके बाद अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत आपने पढ़ा हुआ भाई, श्रोडिंगर की इक्वेशन क्या होती है, टाइम डिपेंडेंट क्या है, टाइम इंडिपेंडेंट क्या है, स्क्वायर वेल पोटेंशियल क्या है, ये सारी चीजें आपको पढ़ने को मिलेंगी। इनफाइनाइट स्क्वायर वेल पोटेंशियल क्या होता है, पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स के लिए उसी को डेरिवेशन कहते हैं, रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर क्या होता है, ये इस तरीके से चित्र हम लोग बनाया करते थे मेरे भाई, याद है, तो ये सारी इधर वैल्यू मानते थे, ये सब कुछ मेरे भाई हमने पिछले साल फोर्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री में पढ़ा है। लेकिन हालांकि फोर्थ सेमेस्टर कई बच्चों का मल्टीपल हुआ होगा तो उन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया, अगर मेरे भाई ध्यान दिया होता तो शायद ये काम आपके लिए और ज्यादा आसान हो जाता। उसके बाद बोहर का मॉडल क्या है, सोमरफेल्ड ने क्या बताया, स्पेक्ट्रम क्या है, हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम, उसमें श्रेणियां पढ़ने को मिलेंगी, लाइमन बामर पास्टन ब्रैकेट फंड, ये सारी सीरीजेस आपको पढ़नी है और ये सब काम आसान नहीं है भाई, बहुत तेजी से आपको कराना पड़ेगा तब आप कर पाओगे। एलएस कपलिंग क्या होती है, जेजे कपलिंग क्या होती है भाई, ठीक है, स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टेट्स क्या होती है, सिलेक्शन रूल्स क्या होते हैं, ट्रांजिशन क्या होता है, डीडी ट्रांजिशन क्या है, किस तरीके से इनमें डीजेनरेसी उत्पन्न होती है, सब कुछ आपने फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में नहीं पढ़ा है तो भाई अब पाप धुलने का समय आ गया। कुछ लोग कहेंगे सर जी हम तो फाइनल ईयर में केमिस्ट्री सोचने ही छोड़ रहे थे, ये तो पीछा ही नहीं छोड़ रही भाई, पीछा ही कुछ नहीं छूटता है, सब आपस में मिलीजुली सरकार है, जो पढ़ पाओगे वही पढ़ोगे सर। बहुत सारे लोग हमसे कहते कैसे पढ़ाते हो, अरे भाई फोर्थ सेमेस्टर में जब हम इसे केमिस्ट्री में पढ़ा सकते हो तो या फिजिक्स में नहीं पढ़ाएंगे, वो देखना चाहते नहीं, दूर से अपना नहीं ढोला पीटे पड़े कि भैया जो बड़ा कठिन है बड़ा पीटते रहो ढोला, भाई कौन कह रहा आपसे सर, ठीक है। उसके बाद एल्कली एलिमेंट्स का स्पेक्ट्रा क्या होता है, डबलेट क्या होता है, ट्रिपलेट क्या होता है, सिंगलेट क्या होता है, डी लाइन क्या होती है, स्ट्रक्चर क्या होता है, ये सारी की सारी मतलब दोनों पूरा जो एस ब्लॉक है, एल्कली मेटल एल्कलाइन अल्टामेटल दोनों के लिए हम लोगों को निकालना पड़ेगा। एक्स रेस क्या होती है, रॉन्टजन ने किस तरीके से सारी चीजें बताई, डुआन हंट लॉ जो है उन्होंने क्या लॉ दिया उसके बारे में सर, ठीक, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसका स्पेक्ट्रम क्या है, किस तरीके से ये क्या काम करता है, सारी चीजें आपको पढ़नी है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मोजले का लॉ भैया आता ही आता है, ये मोजले का लॉ 7.5 में आएगा वरना 3 नंबर में आएगा, जरूर आएगा मेरे भाई, ठीक है। बाकी आपकी जैसी यूनिवर्सिटी जैसे वहां पे नंबर आते होंगे उस हिसाब से सारी चीजें चलेंगी। और आखिरी में मॉलिकुलर स्पेक्ट्रा में ट्रांजिशन रूल्स और मेरे भाई प्योर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा आपको पढ़ना है। तो यानी सरल भाषा में कहा तो ये बिल्कुल भी कठिन नहीं है। अगर आप पन्ने पलट पलट के देखो कितने गोले आपको दिख रहे हैं, मुश्किल से 4-4, 5-5 गोले आपको दिख रहे हैं, और बहुत ही आसान ये पूरी जर्नी होने वाली है अगर मेरे भाई ध्यान से सुनो सब लोग, क्योंकि एक्चुअल में फिफ्थ सेमेस्टर वाला आपने बहुत ज्यादा इंसिस्ट किया तब हम इसे लेके आ रहे हैं, ठीक है। जो भी मेरे पास कुछ कंटेंट रिकॉर्डेड है उसे अभी हम तुरंत ऐड कर देंगे, जब आप ये देख पा रहे हो डिस्क्रिप्शन में हम एक लिंक दे रहे हैं जिसमें हम आपको पूरा कोर्स पढ़ाने वाले हैं, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो डिटेल में, और हम पूरी कोशिश करेंगे मेरे भाई 15 तारीख तक, क्योंकि कोई जादू तो है नहीं, लेकिन कोशिश रहेगी 15 नवंबर तक हम आपको लगभग
80% कोर्स मेरे भाई कराने की कोशिश करेंगे सर, ठीक। ज्यादा से ज्यादा कंटेंट हम बना रहे हैं, लिख रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, बैठे हुए यहाँ पे इतने पन्ने रखे हुए हैं, कहने के लिए आज त्योहार है, बिल्कुल सन्नाटा है, लेकिन फिर भी हम लगातार लगे हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं बहुत सारा कॉन्टेंट आपके लिए लेके आने की। तो कुल मिला के अगर आप चाहते हो जुड़ना मेरे भाई, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, कॉमेंट पिन कर देंगे, फटाफट से क्लिक कर लो। शुरुआत के कुछ लोगों के लिए कुछ मेरे भाई हमने ऑफर भी चला दिया सर, ठीक है। उसके बाद एप्लीकेशन पर लगातार ये कोर्स बना रहेगा और पूरा आपको डिटेल में हम पढ़ाने वाले जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है। यहां की बात तो यहां पे मेरे भाई जितने भी ये फर्मी डायरॉक है, ठीक है, बोस आइंस्टीन है, या इस तरीके की जो भी चीजें हैं, टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन लॉन्ग में आएगी मेरे भाई 101%, तो ये वो थ्योरम है। तो ये जितनी भी चीजें हम यहां पर भी पब्लिक करने वाले हैं, तो इस चैनल को भी आपको सब्सक्राइब करके रखना है। बहुत ही जल्द हम लोग 50,000 के करीब इस चैनल पर पहुंचने वाले हैं, तो नए हो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, पुराने हो नोटिफिकेशन बेल को ऑन करो, जो भी दिक्कतें हैं कॉमेंट करके बताओ, इंस्टाग्राम पर बी डी केडन को जरूर फॉलो कर लो, टेलीग्राम पर इन सबकी पीडीएफ आपको मिलेगी, तो टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कर लो, क्योंकि वहां पे सारी अपडेट आपको मिलती रहती है सर, ठीक है। जैसे इस वीडियो का हमने कल ही वहां पे स्टोरी लगा दी थी कि कल वीडियो आएगी और आज वीडियो आपको देखने को मिल गई होगी सर, ठीक है। तो ओवरऑल लगे रहो मेरे भाई, फटाफट से ज्वाइन कर लो जाके, और मान के चलिए आने वाले 10 से 12 दिन हम लोग बहुत सारा कॉन्टेंट आपके लिए बनाने वाले हैं। 15 तारीख तक कोशिश रहेगी ज्यादा से ज्यादा जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सब कुछ उसके अंदर कवर करने की, सारी की सारी पीडीएफ सब कुछ आपको वहीं पर मिल जाएगा। बस दोस्तों फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।